सवाल जो हमने देश का मिजाज में जनता से पूछा था उसके आंकड़े रख दें कि क्या जनता भी यही राय रखती है। जो सवाल हमने जनता से पूछा है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को लेकर, क्या कोई नेता सीधी चुनौती दे सकता है पीएम को? अब तक देश का सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कौन रहा है आजाद हिंदुस्तान में? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आइए सीधे लिए चलते हैं आपको अपनी सहयोगी चित्रा के पास। चित्रा बताइए, आगे बढ़े उसके पहले आपको दिखा देते हैं आखिर ये सर्वे हुआ कैसे और तारीख क्या रही, तो इसके बारे में जल्दी से जान लीजिए। सर्वे का जो वक्त था वो 15 दिसंबर 2022 से 15 जनवरी 2023 के बीच रहा है। सैंपल साइज 140,917 लोगों के बीच जाकर किया गया ये सर्वे है। लोकसभा क्षेत्र पूरी की पूरी लोकसभा को इसमें शामिल किया गया है। 543 सीटों का आंकड़ा जो अब हम आपके सामने रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए कमाल का प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब अगला सवाल प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस सवाल का जवाब किस तरह से मिला है जरा एक बार फिर से आपको दिखाते हैं वो आंकड़े जो इस बात पर विचार विमर्श को जन्म देते हैं कि आखिर वो कौन सी बड़ी बड़ी वजह है जिसके कारण नरेंद्र मोदी क्या आज भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। ये देखिए तमाम नेता निकलकर सामने आ चुके हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता एक बार फिर से अपने शिखर पर। भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन, इस सवाल का जवाब जो जनता देती है, 52% लोग नरेंद्र मोदी को अपनी पहली पसंद बताते हैं और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। आप देखेंगे दूसरे नंबर पर राहुल गांधी है 14% के साथ, लेकिन नरेंद्र मोदी के आसपास भी वो कहीं पर नहीं टिकते दिखाई दे रहे हैं और 52% के साथ नरेंद्र मोदी यहां पर आज भी देश की पहली पसंद भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मुहर एक बहुत बड़ी आबादी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर लगाई है, जबकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जरूर लगे हुए हैं, लेकिन जब उनका नाम सामने आता है तो सिर्फ 14% लोग ही ऐसे हैं जो राहुल गांधी के नाम पर मोहर लगाते हैं। और एक बार फिर से अपनी सर्वोच्चता यहां पर साबित करते हुए इन आंकड़ों के जरिए नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। 8 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बने हुए, लेकिन आपको बताते चले मौजूदा वक्त में भी उनके आसपास कोई भी दूसरा नेता टिकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। राहुल गांधी 14% के साथ बहुत ज्यादा पीछे हैं। अब बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की, सिर्फ 5% लोग ही राहुल गांधी से उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा पीछे है। भारत के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर सिर्फ 5% जनता ऐसी है जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम का नाम लेती है, जबकि गृहमंत्री अमित शाह के नाम पर 3% लोग अपनी मुहर लगाते हैं। लेकिन यहां पर चूंकि बीजेपी से सबसे बड़ा चेहरा यकीनन नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल पूछा गया था, तो बहुत बड़ी आबादी 52% के साथ नरेंद्र मोदी के नाम पर ही अपनी मुहर लगाते हुए दिखाई दे रही है। और यहां पर यह जानना भी दिलचस्प है, देखिए विपक्ष का बेहतर नेता कौन, ये सवाल जब हमने पहले के आंकड़ों में जनता से पूछा था तो अरविंद केजरीवाल को ज्यादा वोट मिले थे राहुल गांधी के मुकाबले, लेकिन भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन जब ये सवाल जाता है तो विरोधी जो चेहरे हैं उनमें देखिए राहुल गांधी यहां पर बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल राहुल से बहुत ज्यादा पीछे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो बरकरार है 52% के साथ। एक बार फिर से जनता उन्हीं के नाम पर मुहर लगाती हुई दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम का भी नाम इसमें शामिल था। योगी आदित्यनाथ को 4% लोग अपनी पसंद बताते हैं भारत का अगला प्रधानमंत्री के तौर पर। तो यहां पर आप देख रहे हैं विपक्षी दलों में राहुल गांधी बाजी मारे जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के आसपास कोई भी दूसरा नेता दूर दूर तक कहीं भी टिकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अब जल्दी से अगला सवाल आप तक पहुंचाते हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बीजेपी में पीएम मोदी का उत्तराधिकारी कौन? 26% लोग गृहमंत्री अमित शाह के नाम पर मोहर लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम के तौर पर अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले देखे वो भी रेस में है काफी ज्यादा आगे, कड़ी टक्कर यहां पर गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री के बीच में 25% के साथ, नितिन गडकरी 16% के साथ और राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री 6% के साथ। तो ये आंकड़ा है बीजेपी में पीएम मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो अमित शाह सबसे ऊपर हैं, उनके ठीक पीछे योगी आदित्यनाथ हैं बहुत कम मार्जिन के साथ, नितिन गडकरी काफी ज्यादा पीछे और राजनाथ सिंह उनसे भी काफी ज्यादा पीछे। और अब अगला आंकड़ा आपके सामने रखते हैं, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में बेहतर पीएम का उम्मीदवार कौन है? देखिए ये सवाल हमने पूछा था और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी 52% के साथ उनका आंकड़ा लगातार इंटैक्ट है, कायम है। जब पिछली बार यानी कि जनवरी 2022 में यही सवाल हमने पूछा था तो 52% जनता ने मुहर लगाई थी, हालांकि उसके बाद 1% का इजाफा जरूर हुआ था। इस बार 1% जरूर कम हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी इतने आंकड़े नहीं बढ़ा पा रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी को यहां पर चुनौती दे पाए, उनकी शख्सियत को किसी भी तरह का खतरा कम से कम इन आंकड़ों में नजर नहीं आता है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर लगातार लगे हुए हैं। जनवरी 2022 का आंकड़ा 7% है,
जनवरी 2023 का आंकड़ा 14% है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले दो गुने की बढ़ोतरी। लेकिन ये बढ़ोतरी इतनी बड़ी नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी को किसी भी रूप में बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। तो आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता एक बार फिर से अपने शिखर पर बनी हुई है, जबकि राहुल गांधी काफी ज्यादा पीछे 14% के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हुए अगला आंकड़ा आप तक पहुंचाते हैं, और ये सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण, बेहद दिलचस्प भी है। अब तक का बेहतर प्रधानमंत्री कौन, ये सवाल जब हमने रखा जनता के सामने, क्योंकि बार बार चाहे प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, उसके बाद के तमाम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, और ये देखिए आंकड़ा आपके सामने है बेहतर प्रधानमंत्री कौन। नरेंद्र मोदी को 47% लोग बताते हैं सबसे ज्यादा बेहतर प्रधानमंत्री अब तक का सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी को 47% लोग यहां पर बेहतर प्रधानमंत्री बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और बीजेपी की जिन्होंने स्थापना ही की थी एक तरीके से, 16% के साथ काफी ज्यादा पीछे है। तो यहां पर नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा आगे हैं 47% के साथ, जबकि दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की बात करें तो 12% लोग ही उनको बेहतर अब तक के बेहतर प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 सालों तक जिन्होंने यूपीए की सरकार चलाई, उनको 8% लोग यहां पर अब तक का बेहतर प्रधानमंत्री बताते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी यहां पर भी सभी के ऊपर, अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं सभी के ऊपर बाजी मारते हुए 47% के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरफ अगला प्रधानमंत्री कौन होगा इसका जवाब आता है नरेंद्र मोदी 52% के साथ, अब तक का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर 47% के साथ नरेंद्र मोदी। और यहां पर देखिए बेहतर मुख्यमंत्री कौन, ये भी आंकड़ा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, और यहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं 39% वोट शेयर के साथ। जो जनता है 39% लोगों ने योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लगाई है, और यकीनन बुलडोजर वाले बाबा के तौर पर जो अपनी छवि बनाई है, यानी कि सख्त प्रशासक और नेता के तौर पर जो छवि बनाई है योगी आदित्यनाथ ने, उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बेहतर मुख्यमंत्री कौन में 39% जनता योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लगा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा पीछे यहां पर 16% के साथ, ममता बनर्जी सिर्फ 7% के साथ, जबकि एमके स्टालिन 7% के साथ ममता बनर्जी को यहां पर टक्कर जरूर दे रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की यहां पर आप देख पा रहे हैं आंकड़ों में उनका जो करिश्मा है या फिर उनका जो व्यक्तित्व है वो यहां पर बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। और बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर बड़ी आबादी यूपी के सीएम के नाम पर अपनी मुहर लगाती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर ये आंकड़े महत्वपूर्ण है। लेकिन अंजना, जो दो बड़ी बातें निकलकर सामने आई है, नरेंद्र मोदी के आसपास आज की तारीख में भी कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो उनको कड़ी और बड़ी चुनौती दे पाए नरेंद्र मोदी के नाम पर ही। हम सब जानते हैं बीजेपी किस तरह से 2014 के बाद लगातार कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी जीती है। गुजरात में हाल ही में हमने देखा था आंकड़े किस तरह से क्लीन स्वीप किया था, और अब एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के आसपास कोई भी दूसरा नेता टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जबकि राहुल गांधी टक्कर देने की कोशिश में जरूर हैं, लेकिन 52% के साथ मोदी पहले पसंद पर हैं, तो 14% के साथ राहुल गांधी बहुत ज्यादा पीछे खड़े हैं। अंजना।